यहाँ पे मैं कैपलर भी निकाल दिया और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है उसे ओपन कर दिया। तो कैपलर को मैं लगा देता हूँ क्योंकि कभी भी ये अक्सर करके धोखा दे देता है। तो कैपलर को चेंज कर ही लेना चाहिए। और यह एसटीआर बहुत महंगा पड़ा है, 350 रुपये का सिर्फ एसटीआर पड़ा है। इसलिए इतना महंगा पड़ा है हमें कुछ आइडिया नहीं है। और दोनों चीज़ होता है, आपकी ख़रीदारी के ऊपर भी निर्भर करता है। जब भी दुकान पे आप जाएंगे तो आप किस तरह से बात करते हैं वो भी मायने रखता है। तो हमारे जब भी हम लोग रिपेयरिंग करते थे टीवी का, तो स्पेयर कमा करके स्पेयर बेचने वाले को ज़्यादा इनकम होती थी और रिपेयरिंग करने वाले को ना के बराबर होती थी। और उसके पीछे का कारण यही रहता था। लेकिन जब इसे ऑनलाइन हो गया तो मालूम पड़ जाता है, फिर भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर पड़ता है। तो मैं एसटीआर को अभी लगाऊंगा यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। और उससे पहले तो कई चीज़ हम चेक करेंगे लगाने से पहले, और मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मैं चेक कर रहा हूँ। अगर नहीं चेक करेंगे तो समस्या आपको खड़ी हो सकती है। सबसे पहले ये जो डायोड है जो आउटसाइड में जो सप्लाई गया है, यहाँ पे हम चेक करेंगे शॉर्टिंग के लिए। तो अभी तो ये 30 पे ही रुका हुआ है, पोर्ट बदल के देखेंगे, 0 पे आके आ जाना चाहिए तो नहीं आ रहा है, यानी आगे भी शॉर्टिंग है, आगे भी शॉर्टिंग है 100%। तो आगे का शॉर्टिंग ये इस साइड का है, तो मेरे समझ से फिर इसकी भी कहानी ख़त्म हो गई होगी, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस इसको नहीं शो करना चाहिए। मैं इसको अभी डिजिटल के ज़रिए देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसको और देखते हैं। इतना नहीं आना चाहिए मेरे समझ से। तो किलो में है तो चलेगा, किलो में चलता है, किलो से कम नहीं होना चाहिए इसे। ठीक है, तो हम लगा सकते हैं इसको। थोड़ा हमारा मल्टीमीटर बूढ़ा हो गया है ना, तो बूढ़ा हो गया, कम दिखता है। चश्मे की भी बात है, जैसे अपने को चश्मा लग गया है वैसे इसको भी चश्मा लग गया है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ इसको। तो इसे भी लगाना तो ज़रूरी ही है, इसको लगा देना अच्छा रहेगा, क्योंकि यह जो है एयर गैप को ख़त्म करता है और जो हीट जनरेट होगी उसे आसानी से बाहर करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, और इसका कोई विशेष काम नहीं है। तो मैं इसको लगा के कस देता हूँ। बड़ा वायर बड़ा लग रहा है, छोटा देखते हैं।
यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो लगी है 2 ohms की, 8 ohms, तो अपने पास 8 ohms नहीं है अभी, यहाँ पे 8 की नहीं है। एक समस्या ये है अपने लिए, और सबसे बड़ी बात है कि इस लाइन में अभी ज़्यादा रेजिस्टेंस जो लगती है वो कमी ऐसी है जो 1 ohms 2 ohms की लगती है। ये ज़्यादा रेंज इसका चलता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक टीवी वगैरह में तो बहुत इस्तेमाल करना पड़ता था, 1.5 का भी डालना पड़ता था। यस, और सप्लाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब इसका क्या सिस्टम है वो मैंने देखा भी नहीं, तो यहाँ पे मेरे समझ से सेम रेजिस्टेंस डालना अनिवार्य है। उसके पीछे का कारण आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए इसी लाइन पे ये भी कनेक्ट है, अब ध्यान से देखिए इसी लाइन पे यह भी कनेक्ट है और इसी लाइन से यह भी कनेक्ट है। तो ये जो एक तरह से अगर देखा जाए तो इसके अंदर ही करंट सेंस कराया गया है, ये वाला इससे टैली करके ही कुछ करने वाली है। तो सबसे पहले हमें जो है इस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो हमें 8.2 ohms रेजिस्टेंस का बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी मुझे रुकना पड़ेगा, देखता हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं मुझसे वो कैलकुलेशन करने में गलती थी, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 0.82 था, 0.82 का रेजिस्टेंस है, क्योंकि जब भी मैं लगाने लगा यहाँ पे तो सप्लाई जो है फ्लक्चुएट कर रही थी। तो अभी मेरे पास 2 का रेजिस्टेंस है, तो 2 को मिला करके मैं 1 कर दिया हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा करके देख लेता हूँ, उससे पहले ये मुझे बदलना पड़ेगा, तो इसे मैं बदल देता हूँ। और हो जाता है कभी कभी, गलती तो होगी ही। एक्चुअली रेजिस्टेंस फट के गायब हो गया है, वहाँ पे है ही नहीं, और दूसरा बोर्ड इसमें का मेरे पास है नहीं कि मैं टैली करके निकाल सकूँ। अलग अलग कंपनी अलग अलग ढंग से बनाती है, तो ये दोनों डिस ख़राब हो चुकी है। वो दोनों डिस को तो दोनों को नहीं, मैं यहाँ पे एक ही लगाऊंगा, एक को बाईपास कर दूंगा, क्योंकि बात तो एक ही रहती है, और दोनों लोग मिल के नहीं संभाल पाए तो मैं एक ही लगाऊंगा, दोनों लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्योंकि NTC का जो काम है वो तो एक ही साइड से होने वाला है। अभी मुझको निकलना भी है घर के लिए, और प्रॉब्लम यह है कि टिकट भी कंफर्म नहीं हो पाया इस बार, वेटिंग का वेटिंग ही रह गया, ये एक समस्या रहती है। देखता हूँ अभी कैसे जाता हूँ, कुछ तो आइडिया करना पड़ेगा। तो होता रहता है ये सब, लंबी टाइम लंबा दूरी। फ्यूज ब्रेक होने की वजह से भी यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा, दोनों काम करेगा, फ्यूज का भी काम करेगा साथ में ये भी। अगर शॉर्टिंग वगैरह हुआ तो इतना भयंकर नुकसान नहीं होने देगा, ये रोक लेगा यहाँ पे। और फ्यूज है नहीं, फ्यूज ख़त्म हो गया है,
मैं पोज करता हूँ, बाकी कनेक्शन करने के बाद अभी आपको दिखाता हूँ। तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं पहली नज़र में समझा कि ये जला हुआ है, एक्चुअली ये जला नहीं है, ये कटिंग किया हुआ है, कटर से काटा हुआ है। ये काटा हुआ है, ये पॉइंट कौन सी है, ये पॉइंट है अर्थिंग की, अर्थ की पॉइंटिंग है, और अर्थ वाली ये पॉइंट को यहाँ पे कट कर दिया गया है। अगर वो होता तो शायद इतना ज़्यादा नुकसान इसमें नहीं होता। खैर चलिए, या फिर सामने वालों ने इसलिए कटिंग किया है कि जो उसमें अर्थिंग दी जाती है बॉडी में, तो हल्का सा करंट यहाँ से पास कर रहा होगा, इसके लिए उसको कट कर दिए हैं। तो ये नहीं लगेगा तो भी कोई बात नहीं है। अब हम जो है ये रेजिस्टेंस 1 ओम से यहाँ पे लगाया हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट मान का रहेगा तो काम करेगा, बाकी फिर इसको हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ पावर को, जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे ओवरलोड रहता है, तो ओवरलोड के बदले मैं एक जम्पर यहाँ पे कर देता हूँ सिर्फ चेक करने के लिए, और चेक करके इसको साइड कर देता हूँ, फिर व्यवस्थित करूँगा क्योंकि मुझे निकलना है। तो चलिए मैं ऑन करता हूँ और पहले वोल्टेज चेक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे वोल्टेज, इसका एसटीआर बहुत महंगा पड़ा, वो मुझे बार बार सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, 300 रुपये का एसटीआर। तो 11.72 यानी इधर की सप्लाई ओके है। तो हम एक बार इसको चालू करने की कोशिश करेंगे, और शायद इधर एलईडी तो नहीं है, लेकिन इसमें बजर भी नहीं है कि जो टिंग टिंग की आवाज करता है। नमस्कार, क्या बात है। तो यहाँ पे जो 0.82 का रेजिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पे 2 ओम्स के 2 लगा दिए हूँ, तो 1 ओम से करीब है वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और कैपेसिटर अभी चेंज नहीं किया हूँ, कैपेसिटर चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक ही NTC लगाया, एक लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, जैसा कि पहली वीडियो में आप देख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिया है, और ये UVW का वायर है जो ऐसे है, नीचे से होकर आ गया है ये, और ये कंप्रेसर है, आप देख सकते हो अभी, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। तो ये है, ठीक है, और यहाँ पे एसटीआर सक्सेस हो गया लगाना यहाँ पे, तो मैं बंद कर देता हूँ उसको। और देखिए यहाँ पे मैंने 2 सेंसर लगाए हैं, एक छोड़ दिया हूँ इधर का और इसमें लगा दिया हूँ, 4-4 के मेरे पास हैं, तो मैं एक ही में बांध के ऐसे रखता हूँ, किसी में भी लगाना होता तो ऐसे ही लगा लेते हैं इसको। और यहाँ पे अभी मैंने ये पतले पतले कुछ वायर लगा दिए हैं कि अगर बीच में भी अगर ऐसा कभी हो तो ये रुक जाए, और इसको मैं अभी बराबर बैठा देता हूँ, मैं इसी को लगाऊंगा, क्योंकि लोड ज़्यादा होगा तो ये पहले ही बंद हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज इसमें ज़्यादा जनरेट होगा 1.2 के हिसाब से, 0.82 के हिसाब से 1 में ज़्यादा रेजिस्टेंस की जो गैपिंग है उससे अनुसार जो वोल्ट बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। तो जब भी ये इस पर लोड ज़्यादा रहेगा कंप्रेसर पे तो पहले ही उसको रोक देगा। तो चलिए
देखते हैं फिर इसको।